दोस्तों, मूवी रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे मैक्स पे आई वेब सीरीज रामयुग को। टोटल 8 एपिसोड की वेब सीरीज ये मैक्स पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं और आप इसे मैक्स पे जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं तो यार यही कहूंगा कि अगर आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है तो डेफिनेटली इस रामायण को देख करके तो आप डिसअपॉइंटमेंट होने वाले हो, बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी है, वो भी मैं बताऊंगा साथ में। तो यार रामन तो 8 एपिसोड में रामायण पूरी रामायण को खत्म कर दिया है गाइस, मात्र 8 एपिसोड में पूरी रामायण को इन्होंने खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है, बहुत कुछ चीजों को स्किप किया गया है। फॉर एग्जांपल, जब बाली की लड़ाई सुग्रीव से होती है तो फर्स्ट टाइम पे सुग्रीव जाता था, वो पिट करके आता है और सेकंड टाइम पे वो माला पहनता है। तो अगर हम इस चीज को देखें ना, तो वो डायरेक्ट माला पहन करके लड़ने के लिए जाता है, यानी कि उस सीन को स्किप कर दिया गया। तो एक कुछ इस तरीके से था। और जो कहानी स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्ट आपको वनवास सिंह का दिखाया जाता है। फिर आगे चल के जब जैसे ही दूसरे तीसरे एपिसोड आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं फ्लैशबैक पे उनकी बैकग्राउंड की स्टोरी भी चलती है। जो कपड़े हैं डेफिनेटली वो भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में थे तो जिस तरीके के उनके वस्त्र है ना, मतलब क्या चैन से कटोरे ये उनको चैन से बांध करके वस्त्र तैयार हो गए, तो यार ये बहुत ही और सा लगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वानर सेना के जूतों की तरफ देखोगे तो यार उन्होंने लिटरली शूज पहने हुए हैं और उनमें चैन भी दिखेगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको वो चैन भी दिख जाए। तो गाइस, जाहिर सी बात है, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है, लक्ष्मण का जिस तरीके से वार्तालाप होता है भगवान श्री परशुराम जी से, तो वो भी थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है। मतलब कि मैं ये क्या देख रहा हूँ ये है। हाँ, एक चीज दिखाई गई है कि जो हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी उसमें जो हमारे लक्ष्मण जी थे, राम जी थे, तो उनकी बिल्कुल क्लीन शेव थी। इसमें इनकी दाढ़ी दिखाई गई है और जाहिर सी बात है भैया, वनवास है तो दाढ़ी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, डेट इज एब्सोल्युटली लॉजिक। सिर्फ बहुत सी चीजें हैं। अरे हाँ, एक चीज बताना तो भूल ही गया, आप रावण का जब शासन देखोगे ना, बहुत साफ दिख रहा है कि बिल्कुल बजट एकदम, क्योंकि यार बजट भी इतना नहीं है तो एकदम लो बजट पे बना रखा है। तो रावण की जो कुर्सी है वो सारा गोल गोल घूम रही है और उसके चारों तरफ मंत्री बैठे हुए, तो यार वो भी मतलब क्या क्या दिखा दिया, ये क्या है। तो ये तो थे इसके नेगेटिव पार्ट। अगर मैं पॉजिटिव पार्ट के बारे में बात करूं तो गाइस, 3 जगह पे कन्वर्सेशन दिखाई गई है जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक जगह पे तो जब सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं वाली से कैसे लड़ूं, आप मेरी सहायता करोगे कि नहीं करोगे, उस समय जो राम जी ज्ञान देते हैं कि भय किसी की ताकत को देखकर नहीं होता बल्कि अपने हारने के लेकर के होता, वो मतलब काफी अच्छा था, मोटिवेटेड था। बहुत मजा आया उस चीज को देखकर के, मतलब बहुत अच्छा लगा, वो काफी अच्छी चीज थी। रावण जी से जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो उस समय रावण और प्रभु श्री राम के आपस में वार्तालाप होता है, तो वहां पे भी जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है वो सीरियसली बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और अंत में जब ये वापस अपने राजमहल पहुंच जाते हैं तो उस समय हर कोई कैमरा को फेस, ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट कैमरा पब्लिक से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट पब्लिक को देख करके बात कर रहे हैं और पब्लिक को हर कोई कुछ ना कुछ संदेश देता है। तो जाहिर सी बात है यार, ये कुछ चीजें थी जो कि इसकी खूबसूरती थी। लेकिन कुछ चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें थी, मतलब 80% डिसअपॉइंटमेंट और 20% आपको कुछ चीजें अच्छी लगेंगी। तो बस गाइज, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यार ये चीज ना मैक्स प्ले पे अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो मैक्स प्ले पे जाकर के देख सकते हो। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज है और ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट तक की पर एपिसोड है। तो गाइज, अगर आप इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख चुके हो तो यार मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये कैसा लगा, क्या ये आपको पसंद आया या नहीं आया, या फिर क्या चीज आपको इसमें पसंद नहीं आई। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब जब नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। गाइज, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।